हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम अलाउंसेस शुरू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने इनकम अंडर द हेड सैलरीज चैप्टर शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको सैलरी का फॉर्मेट भी बताया था। तो आप लास्ट क्लास में जो मैंने फॉर्मेट बताया था वो आप जरूर देखें, क्योंकि उसी से आपको आगे के चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं वो समझ में आएंगे। तो अगर आपने लास्ट क्लास का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप लास्ट क्लास का वीडियो देख लेना और फिर उसके बाद आप अलाउंसेस वाले वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम अलाउंसेस शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अलाउंसेस होते क्या हैं। फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई। तो एक तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में पहले ही फर्स्ट पॉइंट में ही क्लियर कर दिया था कि किसी भी अमाउंट को, किसी भी इनकम को सैलरी के हेड में टैक्सेबल करने के लिए दो इंडिविजुअल जो पेयर एंड पे हैं उनके बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, तभी हम सैलरी के हेड में किसी भी इनकम को टैक्सेबल करेंगे। तो अलाउंसेस क्या है? फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर मीटिंग सम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस वेदर पर्सनल और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। तो कोई भी फिक्स्ड, ध्यान रखना है फ्लेक्सीबल नहीं है, फिक्स्ड, कोई भी फिक्स्ड मॉनिटरी अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे किया है। और पे करने का रीजन क्या है कि जो एम्प्लॉय है उसके अगर कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं या फिर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए उसको कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस को बियर कर पाए इसलिए जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉई को उसकी बेसिक पे से ऊपर कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट पे करता है। तो उस फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट को हम बोलते हैं अलाउंसेस, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, एक तो जो अलाउंसेस होते हैं वो मॉनेटरी अमाउंट होगा, वो काइंड की फॉर्म में नहीं होगा। जैसे अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को रहने के लिए घर दे देता है, कोई फ्लैट दे देता है, ठीक है, तो वो अलाउंसेस में नहीं आएगा, क्योंकि फ्लैट जो है प्रॉपर्टी दिए, काइंड में बेनिफिट दिया है, कोई अमाउंट नहीं दिया। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को रेंट पे करने के लिए, अगर एम्प्लॉय रेंटेड हाउस में रहता है और रेंट पे करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को अमाउंट दे देता है, तो वो अमाउंट अलाउंसेज में आएगा। तो अलाउंसेज हमेशा मॉनिटरी टर्म्स में होंगे और फिक्स्ड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉई ए के लिए कुछ और अमाउंट और एम्प्लॉई बी के लिए कुछ और अमाउंट। तो अलाउंसेज मॉनिटरी अमाउंट होता है जो कि फिक्स्ड होता है सबके लिए। तो एक फिक्स्ड अमाउंट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करेगा, या तो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए या फिर प्रोफेशनल अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको पूरा करने के लिए अगर कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो उसकी जो पेमेंट होती है, एक्सपेंसेस पूरा करने के लिए जो पेमेंट होगी उसको हम अलाउंसेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको यहां से पता चल गया अलाउंसेस क्या है, फिक्स्ड मॉनिटरी अमाउंट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे किया। अब हमारा कितने तरीके के अलाउंस होते हैं, टाइप्स ऑफ अलाउंस, तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक सेक्शन है आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, दूसरा सेक्शन है आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A इज रिलेटेड टू हाउस रेंट अलाउंस एंड द अदर सेक्शन सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 इज रिलेटेड टू प्रिस्क्राइब्ड स्पेशल अलाउंस। अब यहां पे क्या है, एक हाउस रेंट अलाउंस है। अब जिस भी वर्ड के बाद अलाउंस वर्ड जुड़ जाएगा तो उसका क्या मतलब है कि फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट, और उसके आगे जो वर्ड है उससे आपको पता चलेगा कि ये फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट किसके लिए है। जैसे सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर हम देख रहे हैं कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में कौन सा अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस। तो अलाउंस लिखा हुआ है इसका मतलब फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे किया है। किस लिए पे किया है, कौन से एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, हाउस रेंट के लिए, यानी एम्प्लॉय रेंटेड हाउस में रहता है या चाहे एम्प्लॉय रेंटेड हाउस में रहे या ना रहे, लेकिन कंपनी की पॉलिसी है एम्प्लॉयर जो है वो अपने सारे एम्प्लॉयज को
हाउस रेंट अलाउंस देता है, मतलब अगर वो रेंटेड हाउस पे रहते हैं तो वो अपना कोई भी रेंट पे करते होंगे, तो रेंट के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को ये पर्टिकुलर अलाउंस देगा। तो वो अलाउंस जो हाउस के रेंट को पूरा करने के लिए दिया जाए तो उसको हम बोलेंगे हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। दूसरी तरफ है हमारे प्रिस्क्राइब्ड स्पेशल अलाउंस, ये आपके 10 सबसेक्शन 14 में आते हैं। अब इसमें भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट क्या कहता है, स्पेशल अलाउंसेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, यानी सिर्फ वो अलाउंस जो कि आपको ड्यूटीज को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है। तो ये है आपका सेक्शन 10, 14 एंड 1। दूसरी तरफ है अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस, सेक्शन 10, 14, 2। यानी प्रिस्क्राइब्ड स्पेशल अलाउंस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक वो अलाउंसेस जो कि आपको सिर्फ अपना काम, जो एम्प्लॉयर ने आपको काम दिया है उसको पूरा करने के लिए दिए जाते हैं, कुछ मॉनेटरी अमाउंट दिया जाता है, और दूसरी तरफ एम्प्लॉय के पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन से अलाउंसेस हैं। तो जो आपके स्पेशल अलाउंस है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, उसमें क्या क्या है आपके, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस एंड यूनिफॉर्म अलाउंस। अब आप देख रहे हो हर वर्ड के बाद अलाउंस लिखा हुआ है, इसका मतलब अलाउंस से ही हमें पता चल जाता है कि ये मॉनेटरी अमाउंट है, हमें काइंड में कुछ नहीं मिल रहा है, हमें अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, तो अमाउंट किस चीज के लिए मिल रहा है वो आप ये आगे वाले वर्ड से कंपेयर करके और फिर फाइंड आउट कर लोगे। जैसे फर्स्ट इज ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस का क्या मतलब है, अलाउंस से हमें पता चल गया मॉनेटरी अमाउंट, तो वो मॉनेटरी अमाउंट जो आपके ट्रेवल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए दिया जाए उसको हम ट्रैवलिंग अलाउंस, उसमें हेल्प करने के लिए दिया जाएगा, ट्रैवल एक्सपेंसेस में हेल्प करने के लिए दिया जाएगा उसको हम ट्रैवलिंग अलाउंस बोलेंगे। ठीक है, वो अलाउंस जो हमारे किसी भी एम्प्लॉय के डेली डेली एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन डेली एक्सपेंसेस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, यहाँ पे ये सारे कोई भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं है, काम को पूरा करने के लिए जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं ये उनमें हेल्प करते हैं अलाउंसेस। ठीक है, तो आपका जो रोज का कोई काम है, और जैसे रोज आपको प्रिंटआउट्स निकालने हैं, प्रिंटआउट्स में आपको बाहर से बाहर जाके शॉप से प्रिंटआउट निकालना पड़ता है और फिर वहां पे आपको पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो आपका वर्क रिलेटेड प्रिंटआउट्स हैं, तो वो आपकी उसको जो आपके प्रिंटआउट में अमाउंट लग रहा है उसको पूरा करने के लिए आपको डेली अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, कन्वेयंस अलाउंस वो अमाउंट, फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट जो आपको कन्वेंस के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस का मीनिंग है, यहाँ पे हेल्पर का मतलब सर्वेंट नहीं है क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑफिशियल ड्यूटीज की। हेल्पर सर्वेंट मतलब मेड, जो आपके घर में मेड होती हैं वो अलाउंस नहीं है ये। हेल्पर का मतलब है कि आपको एम्प्लॉयर ने जो काम दिया है वो पूरा करने के लिए आपको किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो आपने अपने अंडर एक और किसी इंडिविजुअल को हायर कर लिया है जो आपके किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी काम को पूरा करने में हेल्प करेगा। तो अब जो आपने जो इंडिविजुअल को हायर किया उसको आपने पेमेंट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको पेमेंट करने के लिए कंपनी आपको हेल्पर अलाउंस देगी कि आपने, कंपनी ने जो आपको काम दिया था उसको पूरा करने के लिए अगर आपने अपनी हेल्प के लिए किसी को रखा है तो उसको पेमेंट करने के लिए हम आपको एक फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हैं जिसको हम हेल्पर अलाउंस बोलेंगे। ठीक है, तो देखो सबका जो मीनिंग है वो, या जो सबका पर्पस है वो सेम ही है। पर्पस क्या है कि एम्प्लॉय की हेल्प हो जाए उसके एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, लेकिन एक्सपेंसेस दो तरीके से रिलेट करेंगे, या तो आप एक्सपेंसेस कर रहे हो आपका जो काम है और आपकी जो ड्यूटीज हैं उसको पूरा करने के लिए,
या फिर आप एक्सपेंसेस कर रहे हो अपनी पर्सनल नीड्स को कुछ पूरा करने के लिए, आपके पर्सनल कुछ एक्सपेंसेस हैं और उसके लिए आपको अमाउंट दिया जा रहा है। तो किसी भी पर्पस चेंज होते जाएंगे कि आपको ट्रैवल करना है उसके लिए अमाउंट, तो आपको अलाउंस जो है उसका नाम दे दिया जाएगा ट्रैवलिंग अलाउंस। आपको अपना ऑफिशियल ड्यूटीज पूरा करने के लिए कोई हेल्पर चाहिए तो उसके लिए एम्प्लॉयर आपको अलाउंस दे देगा, एक फिक्स्ड अमाउंट दे देगा, तो उसको हम नाम दे देंगे हेल्पर अलाउंस। तो ये नाम जो हैं वो चेंज होते जाएंगे कि आप कौन सा काम या किस तरीके का एक्सपेंस कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एकेडमिक अलाउंस। एकेडमिक अलाउंस का मतलब है कि अगर आप ऑन जॉब हो और आप साथ के साथ अपनी कुछ स्टडीज भी कंटिन्यू करना चाहते हो तो उन स्टडीज में आपका एक्सपेंसेस लगेंगे, तो जो एम्प्लॉयर है वो आपकी स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए अलाउंस देगा। ठीक है, तो वो स्टडीज पूरा करने से क्या है, आपको अपनी ड्यूटीज में हेल्प मिलेगी, तो ड्यूटीज को पूरा करने के लिए। तो अगर उसके लिए आपको कोई अमाउंट मिलता है एम्प्लॉयर से तो वो आपका एकेडमिक अलाउंस हो जाएगा। यूनिफॉर्म अलाउंस कि आपकी अगर कोई यूनिफॉर्म है, कोई ड्रेस है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए आपके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो आपको अलाउंस दिया जाएगा, फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा, उसको हम यूनिफॉर्म अलाउंस बोलते हैं। तो ये जो ये नाम है ये फिक्स नहीं है, ये यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम से भी हो सकता है या फिर ड्रेस अलाउंस भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये अलाउंसेज हैं सारे जो कि आप ऑफिशियल ड्यूटीज को पूरा करने के लिए आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे हमें दो जो मेन समझने हैं वो आपके ट्रैवलिंग अलाउंस है और कन्वेयंस अलाउंस है। ठीक, और यहाँ पे दूसरी साइड आप देख रहे होंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये तीनों ही जो अगर हम वर्ड्स देखें तो तीनों ही हमें देखने में ट्रैवल से रिलेटेड लगते हैं, कि ट्रैवलिंग अलाउंस भी वही है, कन्वेयंस भी है, उसमें भी तो आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट में भी ट्रैवल कर रहे हो, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो इसको हम एक सर्कल डायग्राम से समझते हैं। वैसे देखो अगर आप ट्रैवलिंग अलाउंस क्या है, अगर आप सिटीज से बाहर जहाँ पे आपकी कंपनी है या जो आपकी वर्क सिटी है, आप उससे बाहर अपना किसी ऑफिशियल काम के लिए जा रहे हो, उस सिटी से बाहर कहीं जा रहे हो, जैसे अगर मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में मेरा वर्क प्लेस है और मैं अपने काम के पर्पस से किसी और सिटी में जा रही हूँ, तो उस सिटी में जाने के लिए भी मेरे कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होंगे, मुझे कैब से जाना पड़ेगा या मैं बाय एयर जाऊंगी या फिर बाय रोड जाऊंगी, तो उसके लिए भी एक्सपेंसेस लगेंगे। तो उन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो आपको अलाउंस दिया जाएगा उसको हम ट्रैवल अलाउंस बोलेंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस जो होता है वो आपका होता है विद इन द सिटी, जो आपकी वर्क जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है जिस सिटी में, उसी में अगर आप रहते हुए आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है और फिर आपका ट्रैवलिंग में खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए आपको कन्वेंस अलाउंस दिया जाएगा। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए, जो भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हो रहे हैं कि आप ऑफिस से घर से निकलते हो और ऑफिस जाते हो, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो या फिर अपना आपका अपने ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, अपनी बाय कार जा रहे हो, बाय बाइक स्कूटी किसी से भी जा रहे हो, तो उसमें भी एक्सपेंसेस लगेंगे। तो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस तक के रास्ते को कवर करने के लिए एम्प्लॉयर आपकी हेल्प के लिए आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस देगा। तो ये तीनों ही ट्रैवल से रिलेटेड हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको सर्कल डायग्राम से समझे तो सबसे पहले आता है आपका ट्रांसपोर्ट, मतलब अगर हम एरिया में डिवाइड कर दें तो सबसे छोटा एरिया जो होगा वो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, या आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, यानी ऑफिस से घर और घर से ऑफिस तक का। फिर आपका होता है कन्वेंस अलाउंस, यानी इससे एक थोड़ा बड़ा सर्कल, भाई सर्कल के शेप पे मत जाना, ये हो गया आपका सेकंड वाला जो है, ये हो गया आपका कन्वेयंस अलाउंस। कन्वेयंस अलाउंस यानी विद इन द सिटी, जो आपका वर्क प्लेस है जहां पे, उस सिटी में ही आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। और जो सबसे बड़ा सर्कल यानी सबसे ज्यादा एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये लास्ट वाला हो गया आपका
ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी जब आपकी जो वर्क सिटी है उससे बाहर आप जा रहे हो लेकिन अपने काम के पर्पस से ही जा रहे हो। तो ये सबसे छोटा सर्कल आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, देन कन्वेयंस अलाउंस, और फिर आपका ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, तो अलाउंसेस का मीनिंग आपको पता चल गया। और ये वाले अलाउंसेस जो हैं आपका, हर एक का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि वो अलाउंस जो आपको कोई पर्टिकुलर पर्पस से, जिस भी पर्पस पे आप अमाउंट स्पेंड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग नाम चेंज होते जाएंगे। ठीक है, हेल्पर को अमाउंट पे करना है उसके लिए हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म मेंटेन रखनी है उसके लिए यूनिफॉर्म अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये फिक्स्ड अमाउंट होते हैं। तो ये वाले सारे अलाउंसेस तो हो गए आप जो अपनी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए आपको दिए जाते हैं। अब आपके कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस भी हैं, उनके लिए भी आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। ठीक है, अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉयर ही ये सारे अलाउंस देगा, ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी पे कि वो आपको कौन सा अलाउंस दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे सेक्शन 10(14)(2) में आपके और भी बहुत सारे अलाउंसेज हैं, लेकिन हम हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये तीन अलाउंसेस पढ़ेंगे। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का मतलब है, अब तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अलाउंस वर्ड मतलब मॉनेटरी अमाउंट, और उसके आगे के जो वर्ड है उससे हमें उस अलाउंस का मीनिंग पता चल जाएगा। तो पढ़ के पता चल रहा है चिल्ड्रन की एजुकेशन, यानी जो चिल्ड्रन है आपको एम्प्लॉय के जो चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन में हेल्प करने के लिए एम्प्लॉयर जो फिक्स्ड एक अमाउंट दे रहा है अपने एम्प्लॉय को, उसको हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बोलेंगे। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस का मतलब है कि अगर जो एम्प्लॉय के चिल्ड्रन है वो हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, तो उस हॉस्टल का जो खर्चा वगैरह है वो पूरा करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस देगा। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मैंने अभी आपको बता ही दिया ये डायग्राम के थ्रू कि ऑफिस से घर और घर से ऑफिस तक के खर्चे को बेयर करने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे अलाउंसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो हमने ये चार्ट पूरा देखा, यहाँ पे आपका हाउस रेंट अलाउंस है, यानी वो अलाउंस जो हाउस के रेंट को पे करने के लिए दिया जाता है, उसमें हेल्प करता है। और ये दूसरा सेक्शन हमने देखा जहाँ पे आपके प्रिस्क्राइब्ड स्पेशल अलाउंसेस थे, वो मैंने आपको ये पॉइंट्स बता दिए। इन सबको एक एक करके हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि यहाँ पे आप कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करते हो। ओके, तो ये तो अभी तक हमारा अलाउंसेस की डेफिनेशन थी और ये टाइप्स था। अब अगर हम इसको प्रैक्टिकल पे इम्प्लीमेंट करें कि हमारे जो सैलरी के क्वेश्चन आएंगे, तो लास्ट क्लास में जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, आप उसको ज़रूर लास्ट क्लास के की वीडियो में फॉर्मेट ज़रूर देखना। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारा जो फॉर्मेट है उसमें आपका बेसिक के बाद कुछ एडिशंस होते हैं, और उन एडिशन में एक पॉइंट होता है ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, तो जो टैक्सेबल अलाउंसेस हैं वो हम बेसिक में ऐड करते जाते हैं। अब यहाँ से जो भी हम कैलकुलेशन सीखेंगे, यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे इनकी और ये सारे अलाउंसेस की, तो कैलकुलेशंस में हम एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालना सीखेंगे। एग्जम्प्टेड वैल्यू का मतलब है वो अमाउंट जिस पे आपको टैक्स पे नहीं करना है। यानी अगर मैं बोलूँ हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्प्टेड वैल्यू, तो हाउस रेंट अलाउंस का वो अमाउंट जिस पे मुझे टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट में जो हमारा सैलरी का फॉर्मेट है उसमें हम लिखते हैं टैक्सेबल अलाउंसेस। तो आपको इन सारे अलाउंसेस की टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। और टैक्सेबल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आपको टोटल वैल्यू दी जाएगी, टोटल अमाउंट ऑफ अलाउंस, यानी मतलब किसी भी अलाउंस की अगर हम बात करें, अगर हम एचआरए की बात कर रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस की, या फिर हम सपोज ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात कर रहे हैं या ट्रैवलिंग अलाउंस की बात कर रहे हैं, तो उसका कोई एक टोटल अमाउंट तो आपको दिया जाएगा कि इतना अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है। तो वो अगर आपको टोटल अमाउंट दे दिया जाए और उसमें से जिस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगना है वो आप लेस कर दो, लेस कर दो एग्जम्प्टेड वैल्यू। एग्जम्प्टेड वैल्यू मतलब जिस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगना है,
वो अगर आप टोटल में से लेस कर दो तो ऑब्वियसली जो अमाउंट आपका यहाँ पे आएगा वो टैक्सेबल वैल्यू होगी अलाउंस की, टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, राइटिंग मत देखना भाई, थोड़ा सा राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये हो गया आपका टोटल अमाउंट, अगर आपको दे रखा है उसमें से एग्जम्प्टेड वैल्यू अगर आप लेस कर देते हो तो टैक्सेबल वैल्यू आपके पास आ जाती है। तो ये वाली टैक्सेबल वैल्यू जो है ये हमें फॉर्मेट में लिखना है बेसिक के बाद। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, जब हमारे पास एग्जम्प्टेड वैल्यू हो। तो यहाँ पे जितने भी अलाउंसेज आपके लिखे हैं ये सारे एचआरए और ये जो हमने ये पूरा देखे हैं पॉइंट्स, तो ये सारे अलाउंसेज में हम ये आपकी एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, अगर आपकी एग्जम्प्टेड वैल्यू आ जाएगी तो ये वाली टैक्सेबल वैल्यू आप अपने आप निकाल सकते हो और फिर इसको आप अपने फॉर्मेट में लिख दोगे। तो हम ये देखेंगे कि हाउस रेंट अलाउंस में कितना अमाउंट है जिसपे टैक्स नहीं लगता है, ट्रैवलिंग अलाउंस में कितना अमाउंट है जिसपे टैक्स नहीं लगता है। तो इन सब में हम एग्जम्प्टेड वैल्यू निकालना सीखेंगे और फिर आपको ध्यान में रखना है कि एक टोटल में से एग्जम्प्टेड लेस कर देते हैं तो हमारी टैक्सेबल वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो यहां से हमने अलाउंसेस शुरू किए और मैंने आपको एक अलाउंसेस का एक ओवरव्यू दे दिया है कि ये चार्ट है आपका जो हम सारे अलाउंसेस पढ़ने वाले हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट अलाउंसेस हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम हाउस रेंट अलाउंस जो है आपका, ये हम शुरू करेंगे और फिर बाकी के अलाउंसेस भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, तो अभी की क्लास के लिए इतना ही, हम बाकी अब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। अभी की क्लास में अगर मैं हाउस रेंट अलाउंस बताऊंगी तो वो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, आपके लिए भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा, तो ये हम आगे नेक्स्ट की क्लास में ही पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय अभी की क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।